हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे टाटा 5530 एस के बारे में जो ट्रेलर में है। आज हम बात करेंगे इसके केबिन के बारे में, इसके अंदर क्या क्या चेंजिंग हुई है और क्या इसमें नया चीज़ें आया और क्या इसमें नए फीचर ऐड हुए हैं। सबसे पहले टाटा केबिन में दो सबसे बड़ी मेजर चेंजिंग हुई है, एक तो इसका स्टीयरिंग व्हील और दूसरी यहाँ पर टच स्क्रीन। और टच स्क्रीन के साथ हमें देखने को मिल जाता है हमारा एसी कंट्रोल्स, उसके साथ ही हमें मिल जाता है हमें दो हाई वोल्ट चार्जर, 5-5 वोल्ट के दो हाई वोल्ट चार्जर और नीचे एक 12 वोल्ट का हाई वोल्ट चार्जर और हैं। और इसके साथ ही हमें कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हज़ार स्विच है, उसके बाद हमारा फ्यूल इकोनॉमी स्विच है, उसके बाद हमारा इंजन लाइट और इंजन ब्रेक के स्विच देखने को मिल जाते हैं, उसके बाद देखने को मिल जाते हैं हमारे रीजनरेशन के स्विच, उसके बाद हम मिल जाता है सैंडल का स्विच देखने को मिल जाते हैं, उसके बाद हमारा डिजिटल क्लस्टर मीटर देखने को मिल जाता है, उसके साथ ही हमें देखने को मिल जाते हैं हमारे एसी वेंट्स, जो पूरी गाड़ी में 5 एसी वेंट्स लगे हुए हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील। अगर बात करें स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील को टोटली मतलब जो छोटी कार के स्टीयरिंग व्हील होते हैं उसकी तरह ही हमारा कंट्रोल्स के साथ दिया गया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर सिग्नल की बैचिंग जो जिसके साथ हमारा हॉर्न प्रेस होगा, और साथ में ये आप क्रोन फिनिशिंग में इसकी लुक देख सकते हैं, एक यूनिक जैसा लुक देख रहे हैं। अगर बात करें हमें स्टीयरिंग व्हील में क्या क्या कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे तो हमारे सबसे पहले तो हमें वॉल्यूम अप डाउन का और साउंड नेक्स्ट का मतलब नेक्स्ट और पीछे करने का बटन मिल जाते हैं, उसके बाद सेंटर में हमें टाटा की लोगो जिससे हमारा हॉर्न प्रेस होगा, साथ में हमारा एक होम स्क्रीन का बटन है और एक बाकी कॉल्स के बटन है। उसके साथ ही बात करें हमें डिस्प्ले में क्या क्या देखने को मिल जाता है तो हमें डिस्प्ले में तो सबसे पहले चाबी स्विच लगाते ही हमें टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है, उसके साथ ही हमें बहुत सारे इसके कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं जिससे हमारी जो गाड़ी के मतलब इंफॉर्मेशन है सब कुछ बताता है। और सबसे पहले इसके साथ ही हम बात करें हमारी गाड़ी की होम स्क्रीन की, इसकी होम स्क्रीन की तो यहाँ पे हमें चार तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं और एक होम स्क्रीन का बटन और एक बैक का बटन देखने को मिल जाता है। तो हमें सबसे पहले एक म्यूजिक का ऑप्शन मिल जाती है, उसके बाद कॉल का, उसके बाद हमारा फोन स्कैन का, उसके बाद व्हीकल इंफॉर्मेशन का। और बात करें म्यूजिक सिस्टम में तो क्या क्या देखने को मिल जाता है तो म्यूजिक सिस्टम में हमें एक रेडियो और एक USB और एक ब्लूटूथ और एक ऑक्स की ऑप्शन देखने को मिल जाती है। और बात करें हमें कॉल की इसकी तो हमें अपना पहले फ़ोन कनेक्ट करने के बाद ही हमारा काम होगा, उसके बाद फ़ोन स्कैन का भी सेम है, हमें फ़ोन कनेक्ट करना पड़ेगा पहले। और व्हीकल इंफॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं हमारे पास सिर्फ एक ही। इस पर हमें व्हीकल इंफॉर्मेशन में हमें बैटरी वोल्टेज, कूलेंट टेम्परेचर और व्हीकल की जो किलोमीटर रीडिंग होती है वो देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही हमें एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है व्हीकल पैरामीटर में, इसमें हमें गाड़ी के टोटल डिस्टेंस और फ्यूल की एवरेज और हमें देखने को मिल जाता है ट्रिप के डिस्टेंस और रनिंग इंजन मतलब इंजन के हावर्स देखने को मिल जाते हैं, उसके बाद हमारा देखने को मिल जाता है ट्रिप आवर्स मतलब इनके ए और बी दोनों देखने को मिल जाता है, टोटल डिस्टेंस फ्यूल की एवरेज देखने को मिल जाती है। तो चलिए चलते हैं हमारी गाड़ी की होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन में जाते ही हमें देखने को मिल जाती है एक और ऑप्शन देखने को, तीन और ऑप्शन देखने को मिल जाती है जिस पर हमें सेटिंग और भी ड्राइवर कोड देखने को मिल जाते हैं। सेटिंग से हमारी गाड़ी की ब्राइटनेस और अन्य तरह के फीचर कंट्रोल होंगे। तो कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।